नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं जेब्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। आपका फिर से स्वागत है एक और नए फ्रेश वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 लैपटॉप्स के बारे में जो कि 20,000 रुपए के अंदर आते हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है एविता की तरफ से आने वाला एविता कॉस्मोस 2-in-1, जिसका मॉडल नंबर है NS12T5IN021P 2-in-1 लैपटॉप। और इसके लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है और इसकी प्राइस 16,490 रुपये है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा करके करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। तो इसमें आपको डिटेचेबल कीबोर्ड देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप लैपटॉप को टेबलेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। और इसमें इंटेल की तरफ से आने वाला सेलरॉन डुअल कोर 4020 प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ ही 64GB EMMC स्टोरेज और रैम आपको 4GB DDR2 देखने को मिलती है, जिसकी वजह से काफी हद तक आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। एविता की तरफ से आने वाले इस लैपटॉप में आपको लैग फ्री और स्मूथ ऑपरेशन के लिए इंटेल का USD ग्राफिक्स भी देखने को मिलता है। और इसमें आपको विंडोज 10 होम एडिशन भी प्री इंस्टॉल मिलने वाला है। यहाँ पर आपको 11.6 इंच का डिस्प्ले साइज और साथ ही फुल HD IPS टच स्क्रीन पैनल, जिसके साथ ही आपको अप्रॉक्स 6 आवर्स का बैटरी बैकअप भी देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। और अब हम इस लैपटॉप के कुछ पोर्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें आपको USB 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, साथ ही इसमें आपको मिनी HDMI पोर्ट भी मिलने वाला है। और यहाँ अच्छी बात यह है कि आपको 3.5mm का हेडफोन जैक सपोर्ट भी मिल जाता है। साथ में ही आपको यहाँ फ्रंट एंड रियर वेबकैम का सपोर्ट मिलता है, जिसकी मदद से आप वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी आसानी से अटेंड कर पाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे लैपटॉप की तरफ, जिसका नाम है कोकोनिक्स इनेबलर लैपटॉप। इसका मॉडल नंबर है C1C11। ये लैपटॉप काफी लाइट वेट एंड इजी टू कैरी है। इसका स्लिम एंड स्लिक डिजाइन देखने को मिलता है। इसमें आपको मल्टीमीडिया फंक्शन कीज का सपोर्ट देखने को मिलता है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें आपको इंटेल की तरफ से आने वाला इंटेल सेलरॉन N4000 प्रोसेसर विद 2.60 GHz तक की स्पीड वाला काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर इस बजट में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 4GB LPDDR4 रैम और 128GB M.2 2280 SSD स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलता है। कोकोनिक्स की तरफ से आने वाले इस लैपटॉप में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। पहला उबंतु के साथ 18,500 में और दूसरा विंडोज 10 प्रो के साथ 21,000 में। और साथ में आपको लैपटॉप बैग भी मिल जाता है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। इस लैपटॉप में आपको फुल HD IPS डिस्प्ले, जिसके साथ इंटेल USD ग्राफिक्स 600 का सपोर्ट भी मिल जाता है। साथ ही साथ इस लैपटॉप में आपको USB 2.0 और USB 3.0 पोर्ट के साथ HDMI पोर्ट का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लिस्ट में तीसरे नंबर पे आने वाले लैपटॉप की तरफ, जिसका नाम है Asus Chromebook और इसका मॉडल नंबर है C223NAGJ0074। इसमें आपको लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें आपको इंटेल की तरफ से आने वाला सेलरॉन डुअल कोर N3350 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसकी मैक्स स्पीड आपको 2.4 GHz तक देखने को मिलती है। इसमें आपको 4GB LPDDR4 रैम और 32GB EMMC स्टोरेज क्रोम OS के साथ देखने को मिलने वाला है। इसकी प्राइस की बात करें तो 17,450 रुपये में Amazon पर देखने को मिलता है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर करंट प्राइस भी चेक कर सकते हैं। अब हम आपको थोड़ी और डिटेल्स Asus Chromebook के बारे में बता देते हैं। इसका डिस्प्ले साइज 29.46 सेंटीमीटर, मतलब कि 11.6 इंच, और अप्रॉक्स 8 आवर्स का बैटरी बैकअप, टाइप ए USB के साथ टाइप सी USB पोर्ट का सपोर्ट और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी देखने को मिलता है। इसमें आपको 74% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 200 nits ब्राइटनेस के साथ एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो ये थी स्पेसिफिकेशंस Asus की तरफ से आने वाले क्रोमबुक की। अब हम बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अपने चौथे लैपटॉप की तरफ, जिसका नाम है Lenovo IdeaPad 3 क्रोमबुक और इसका मॉडल नंबर है 82BA001PHA। ये काफी थिन और लाइट लैपटॉप है। यहाँ पर आपको अच्छे लुक्स के साथ इंटेल की तरफ से आने वाला सेलरॉन डुअल कोर N4020 प्रोसेसर, जिसकी मैक्स स्पीड 2.5 GHz और 4GB DDR4 RAM, 64GB EMMC स्टोरेज विद क्रोम OS एंड इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। इस लैपटॉप के लिए आपको 19,890 रुपये देने होंगे, जिसमें ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। और दिए गए लिंक से आप करंट प्राइस भी देख सकते हैं। इस लैपटॉप में आपको अप्रॉक्स 10 आवर्स का बैटरी बैकअप, 11.6 इंच डिस्प्ले, 250 nits के साथ एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, थिन एंड लाइट वेट का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अंडर 20,000 लैपटॉप के इस लिस्ट में हमने पांचवें नंबर पे जिस लैपटॉप को रखा है, उसका नाम है RDP ThinBook 1010। ये काफ़ी अच्छे लुक्स और डिज़ाइन के साथ हमें देखने को मिलता है। इस लैपटॉप में
इंटेल की तरफ से आने वाले सेलेरॉन क्वाड कोर N3450 प्रोसेसर जिसकी मैक्स स्पीड 2.2 गीगाहर्ट्ज़ तक देखने को मिलती है और 4GB DDR4 रैम विद 64GB eMMC स्टोरेज जिसमें कि विंडोज 10 प्रो प्रीलोडेड देखने को मिलता है। इस लैपटॉप की प्राइस आपको 19,990 रुपये देखने को मिलती है। करंट प्राइस आप लिंक से चेक कर सकते हैं। RDP ThinkBook 1010 में 14.1 इंच का डिस्प्ले साइज और अप्रॉक्स 8 आवर्स का बैटरी बैकअप विथ इंटीग्रेटेड इंटेल SD ग्राफिक्स 500 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हमने आपको बेस्ट 5 लैपटॉप्स अंडर 20,000 के बारे में अच्छे से बताया है और आपको इन सभी लैपटॉप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे एक और नए किसी फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।